वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसको तो आप जानते ही हैं। आज बात करेंगे फिजिक्स में की हिस्ट्री, बायोग्राफी, साइंस, एबीसीडी सब कुछ के बारे में। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। फिलहाल तो ये टाइम पास करने के लिए लोग इसे यूज कर रहा है, लेकिन माना जाता है द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे बड़े मीडिया ने दावा करता है फिजिक स्पिनर के इन्वेंटर है कैथरीन हेस्टिंगर, पेशे से एक केमिकल इंजीनियर है। कैथरीन हेस्टिंगर ने बताया फिजिक स्पिनर की इन्वेंशन हुई थी अर्ली 1990s में, जब वो एक बीमारी से जूझ रही थी जिसका नाम है मियास्थेनिया ग्रेविस। एक ऐसी बीमारी का नाम है लोगों की मसल्स वीक होने लगता है। उनकी एक बेटी भी थी, तो बेटी की केयर भी करनी थी जो आज 30 साल की हो चुकी है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस समस्या का हल निकले। तभी उन्हें एक आइडिया आया, क्या मैं ऐसा टॉय बना सकता हूँ जिससे मेरी बेटी भी खेले और मेरा भी टेस्ट कम हो सके। ऐसे ही शुरू हुई थी फिजिक स्पिनर की इन्वेंशन। आज ये टॉय बहुत ही फेमस हो गया है। अमेजन के 2017 के टॉप 20 टॉयज के लिस्ट में इसका नाम शामिल है। 1000 से लेकर 30,000 या उनसे भी ज्यादा प्राइस में ये बिक रहा है, तो इस हिसाब से इसके इन्वेंटर के पास तो बहुत पैसे होना चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लोरिडा के रहने वाले कैथरीन इससे एक पैसे भी नहीं कमा पाए। जब उन्होंने ये इन्वेंशन किया तो उन्होंने एक अपडेटेड वर्जन बनाया और इनके डिजाइन में बहुत ही इंप्रूवमेंट किया और इसे फ्लोरिडा के मार्केट में बेचा। फिर उन्होंने डिसाइड किया मुझे इस प्रोडक्ट का पेटेंट करवाना चाहिए, तो उन्होंने 28 मई 1993 में इनके पेटेंट फाइल कर दिए और अपने बेटी के साथ वाशिंगटन डीसी में रहने आ गए। 1997 में ये पेटेंट कंफर्म हो गया, तो उन्होंने ये सोचा अब ये कमर्शियल सक्सेस बनाया जाए। तभी उन्हें एक बड़ा सा झटका लगा। हैसब्रो टॉय मैन्युफैक्चरर ने इसे टेस्टिंग किया और इसे फालतू चीज कह के प्रोडक्शन मना कर दिया। इस बड़े धक्के की बात कैथरीन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 2005 में ये पेटेंट एक्सपायर हो गया। उनके पास अब इतना पैसे भी नहीं रहा जो कि वो फिर से पेटेंट को रिन्यू कर सके, जिनके वजह से ये पेटेंट एक आइडिया में बदल गया। आज इस टॉय के मैन्युफैक्चरर बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा है, जहां इसके इन्वेंटर कैथरीन जो 62 इयर्स के हो चुकी है उनके पास खुद के घर भी नहीं है रहने के लिए, ना कि फोन है ना गाड़ी। आज के टाइम पे कैथरीन कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग जॉब कर रही है और इन्वेंटर काउंसिल ऑफ पेंटल फाइडा में एक एडवाइजर के हिसाब से काम कर रही है। उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है दोबारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे फिजिक स्पिनर की। इनके लिए वो फंड जमा करने की काम कर रही है, तो इस वजह से वो एक कैंपेन चला रही है किक स्टार्ट ओआरएल नाम के। इस कैंपेन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले फिजिक स्पिनर की कहानी, और वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें।